नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाए होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है, ए 6, बी 7, सी 8 या डी 9। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर में रोको टोको अभियान में सबौर और औद्योगिक थाने में दो अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे रोको टोको अभियान को सफल बनाने के लिए खुद एसएसपी आशीष भारती प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में देर रात रोको टोको अभियान की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए एसएसपी निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने स्टेशन चौक, घंटाघर, तिलकामांझी चौक के अलावा जीरो माइल थाना क्षेत्र में भी पहुंचकर रोको टोको अभियान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नाथनगर विधायक की गाड़ी को भी रोककर चेक किया गया। गाड़ी में खुद नाथनगर विधायक बैठे थे, उन्हें भी गाड़ी से उतरना पड़ा और रोको टोको चल रहे अभियान में गाड़ी चेक करवानी पड़ी। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि इस अभियान के समय जो भी मिले सबों को चेक करें, और यह भी कहा कि भागलपुर पुलिस का रोको टोको अभियान काफी कारगर साबित हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि शनिवार को शाम सबौर और औद्योगिक थाने की पुलिस ने रोको टोको अभियान में दो लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर जिले में नजर आई चीरहरण की घटना। महाभारत काल द्रौपदी के जुआ में हारने के बाद चीरहरण की घटना तो आपने सुनी है, लेकिन कलयुग में भी जुआ में हारने के बाद पति द्वारा पत्नी को अन्य जुआरियों के हवाले करने का मामला सामने आया है। पीड़िता महादलित परिवार से हैं और शादी के 10 साल बाद भी मां नहीं बन पाने की सजा मिली है। सजा के तौर पर पूरे शरीर को तेजाब से नहलाना, गुप्तांग में तेजाब डालने जैसी घटना को अंजाम देना, बंद दरवाजे के अंदर कैद रखना पीड़िता के लिए नियति बन गई थी। पीड़ित सुषमा को उसके पति सरोज हरिजन ने बड़ी क्रूरता से प्रताड़ित किया है। प्रीता अपने ससुराल हसनगंज मोजादीपुर से किसी तरह जान बचाकर रात में अपने मायके जिच्छो गांव लोदीपुर पहुंची। घटना 2 नवंबर की है, तब पति द्वारा एसिड उड़ेलने के मामले को लेकर अस्पताल में इलाज भी हुआ था, लेकिन ससुराल वाले के डर से पुलिस के पास नहीं गई। लेकिन जब मायके पहुंची तो गांव वालों को जानकारी मिली तो सारा मामला सामने आ गया। गांव के संभ्रांत और बीजेपी नेता दीपक सिंह ने बताया कि गांव की बेटी है, चाहे जिस जाति से हो न्याय के लिए कानून के रक्षक से पूरी मदद कराएंगे। गलत कर्म करने के लिए उसके बाद आधा दुरा हमको घुरा लिया, घुरा कर फिर मरने लगा घर में, घर में मार करके उसके बाद फिर जुआ पर आपको तेजाब जो डाला तो क्या मतलब शरीर में भी डाला? हाँ, पूरा शरीर में डाल दिया, थोड़ा बहुत को भी छिट्टा लगा तो बोलता कि जान से मार देंगे और मार देंगे। जान से जब वो बेहोश हो गया पूरा, उसके बाद फिर चला गया वो हॉस्पिटल ले करके,
दरोगा पुलिस बुला करके हॉस्पिटल ले चला गया। आपसे क्या गलत भी करवाता था? हाँ गलत भी करवाता था वो हमसे। कहाँ भेजता था? एक एक रूम था, एक अल्लाह अपना अल्लाह रूम, दूसरे अलग रूम में भेजता था। गलत 4-5 आदमी मिला करके भेजता था दारू पी करके। कभी हुआ गलत हो गया आपके साथ? हाँ गलत हो गया। पति पति ही करवाता था? पति करवाया था। क्या नाम था पति का? सरोज हरिजन। 3-4 आदमी मिला करके उसके पास रहता था, मीट मछली बना के खाता था, पीता था, दिन भर वही रहता था, घर ना आता था। और आप आपको गलत करवाता? हाँ, आपसे गलत करवाता था। इसका विरोध नहीं किए कभी आप? विरोध किए थे। क्या करता था? मारता था। वो बोलता कि तुम्हारा माँ बाप कौन सी करेगा, तुम्हारा माँ बाप गरीब है, कुछ ना करेगा, तुम्हारा घर वाला भी सपोर्ट ना करेगा, गांव वाला भी कोई सपोर्ट ना करेगा, गांव वाला तुमसे विरोध है। था, क्या कहता था? जुआ खेलता था। तो जिससे पैसा लेता था तो उसको क्या बोलता था? कपड़ा फाड़ के उससे पास भेजता था। क्या करने? बेइज्जत करने के लिए। गलत कर्म करो उससे साथ। कितना साल पहले? 10 साल। दहेज दिए थे? दहेजो दिए थे? हाँ दहेज। तो क्या हुआ आपके बेटी के साथ? अभी वो रखा थोड़ा दिन, उसके बाद मारपीट करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद इसको मार करके और तेजाब झाड़ दिया जा रहा था। का है आपका बेल बेटी को बाल बच्चा नहीं हो रहा? नहीं, नहीं। बाल बच्चा नहीं आ जा, पूरा घर वाला उस पर खो। आपका घर कहाँ है? नहीं छोटी सर। अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि इसको आप छुड़ा दें, काहे जान मार दे। इसको रखिएगा पास में? सब यही रखेंगे। दामाद जो ऐसा किया, क्या चाहते हैं उसको सजा मिले? सजा तो उसको देना है। केस किए पुलिस थाना में? किए केस पुलिस थाना में, माए हॉस्पिटल से हुआ था, अभी केस नहीं किए। आप नहीं किए केस? करेंगे? केस नहीं करेंगे। हालत से मार देगा जान, वो हाथ बांध करके रास्ता का घर में मार करके कंट्रोल बताएंगे। पहले अपने भाई को मार दिया। आपका क्या नाम हुआ? शकरजी। कौन है? बेटी। क्या नाम है इसका? सुषमा देवी। लगभग 9 बजे 10 बजे माता पिता के साथ, बहन के साथ, बहन अपनी बच्ची के साथ, ये लोग 4-5 आदमी हमारे साथ रात में आई। लगभग 9-10 बजे रात, 10 बजे रात, और 10 बजे रात में आई। तो मैं तो सोचने लगा अब क्या करूं। तो हमने जो है बहुत सारे मीडिया कर्मी को फ़ोन करके बताया कि भाई देखिए ऐसा ऐसा बात है। रात में हम प्रशासन को कहाँ फ़ोन करते, और इनका घटना स्थल था मुजाहिदपुर थाना, घटना स्थल मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत पड़ता है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि ये मैटर जो है बहुत ही संगीन है, और ये तो जैसे जैसे महाभारत में हम लोग सुने थे कि जुआ खेल के जो लोग हार जाते हैं, सब चीज़ हार जाते हैं, वो इस युग में ये पहली बार सुनने को, हमको तो पहली बार सुनने को मिला कि जुआ में हार के और उसके बाद जबरदस्ती इसके साथ सारा लोग मिलके जबरदस्ती करता है, और इस मतलब इसका सारा जेवर जेवरात जितना भी था इसके पास सब जुआ में हार गया। इसके माता पिता से में निश्चित रूप से उन लोग को सजा मिलनी चाहिए। ये हमारे गांव की है, हमको तकलीफ तो जरूर है, हमारे गांव की बच्ची है, और ये इसकी शादी जब भी हुई रहे मुझे नहीं था पता, लेकिन जब आई है मेरे पास तो हम अपने गाँव के बच्ची को न्याय नहीं दिलवा सके, तो हम लोग तो बेकार, तब गाँव में रहना हम लोग का बेकार हो जाएगा। अपनी याद दिलाएंगे? बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए इसको, है ना, और उन लोगों को जबरदस्त सजा मिलना चाहिए। भागलपुर के जगदीशपुर में दबंग मुखिया ने युवक को पीटा, हो गई मौत, परिजन बोले जबरदस्ती रास्ता मांग रहा था मुखिया। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोला नारायणपुर में एक युवक को पेड़ से बांधकर उसको इतना पीटा गया कि वह अधमरा हो गया। अस्पताल ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक प्रदीप यादव का बड़ा बेटा 25 वर्षीय शेखर यादव बताया जाता है। परिजन हत्या का आरोप सैनो पंचायत के मुखिया भैरव यादव पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जमीन को लेकर भैरव यादव से विवाद चल रहा था, मुखिया जबरदस्ती रास्ता मांग रहा था, इसी को लेकर वह हमेशा हत्या कर देने की धमकी देता था। वही घटना के संबंध में मृतक के छोटे भाई मनीष यादव ने बताया कि शनिवार को मायागंज से वह अपने हाथ का बैंडेज बदलवाने आया था। लौटने के क्रम में बीच रास्ते में मुखिया ने तीनों पिता और पुत्र को घेर लिया। इसके बाद पिता को खजूर के पेड़ में बांध दिया। इसके बाद उन्होंने बड़े भाई को निशाना बनाया, उसी की जमकर पिटाई कर दी। मनीष को उन लोगों ने
मारपीट कर भगा दिया। उसके बाद जब घटना की सूचना परिजन को मिली तो परिजन दौड़कर वहां पहुंचे, तब तक सभी भाग चुके थे। आनंद फानंद में शेखर को मायागंज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मामला यही सर, हम लोग जगदीशपुर से आ रहे थे, वही मामला माया जगदीशपुर से दवाई लेकर आ रहे थे। उस शहर से तीनों बापूत घूरे 8 बजे रात में, बस छोटकी कोला के मोड़ पर जैसे आया देखते हैं सब है, बस हम लोग को घेर के हम बाइक रोका बेटा का, हम तो हमरा उतरी के घींचा और उसके बाद ले जाके आना के घर नखी जाके हमको बांध दिया। उसके बाद वहाँ से हम चिल्लाने लगे कि बाबू हो छोड़ी दो बेटा को, एकरा एक थाप मारा इसको भी ले जाके उधर साइड कर दिया। उसको हुक्की लगे पूरा मार मारा, कुंडा लगे रड लगे उसको, हम खूब से गरज रहे बाबू हो दीजिए बेटा को, बाबू हो छोड़ी दो बेटा को, बाबू हो छोड़ी दो बेटा को, मार लिया अपना मन भरी। उसके बाद हो गया, उसके बाद जब भाग गया वो लोग। मरने वाला का क्या नाम था? भैरव यादव, सोनू यादव, दुर्गा यादव, अरविंद यादव, अशोक यादव, सीटू यादव। कितना लोग थे? 6 आदमी। पूर्व में भी विवाद था उनसे? हाँ, पहला ये घटना था पहले का। कब से? हम लोग ये भोज भात का 15 तारीख का हुआ था ये ऐसा घटना। उसके बाद हम लोग रह गए, बोला कि केस उठाओ नहीं तो मादरचोद जान मार देंगे। थाना में आवेदन दिए थे? हाँ, थाना में दे दिए थे। थाना वाला कुछ नहीं सुना, जरियो सब पुलिस को कार्रवाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? पैसा दे दिया 20,000 रुपया, तो थाना को कुछ नहीं किया बड़ा। अच्छा, जो मारा था उससे आपको पूर्व विवाद था, और उसके बावजूद पिछले 15 दिनों में भी आपका एगो पुत्र का हाथ तोड़ दिया? जी हाँ। मुखिया तोड़ा था जो वर्तमान में? हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रदीप यादव। जो मृतक है उनका आपको नहीं? शेखर यादव क्या मेरा बेटा है। अच्छा, और जो जिसका हाथ तोड़ा है उनका नाम क्या है? मनीष यादव। वो आपका बेटा है? हाँ, बेटा छोटका है। नवगछिया में 1,40,000 का प्रतिबंधित जर्दा युक्त पान मसाला जब्त। पान मसाला पर प्रतिबंध के बावजूद शहर में पान मसाला का खरीद बिक्री जारी है। रविवार को शहरी क्षेत्र के गरीबदास ठाकुरवाड़ी जनक सिंह रोड से पुलिस ने एक पिकअप से भारी मात्रा में प्रतिबंधित जर्दा युक्त पान मसाला को जब्त किया है। पिकअप चालक नवादा निवासी सुजीत कुमार को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले को लेकर नवगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने बताया कि जनक सिंह रोड में सुबह प्रतिबंधित गुटखा लदे पिकअप को जब्त किया गया था। चालक सुजीत से पूछताछ में बताया कि भागलपुर से नौगछिया गुटखा लेकर आया था। शहरी क्षेत्र के दुकानदार संतोष चौधरी व अमित जलान के यहाँ गुटखा की डिलीवरी होनी थी। प्रतिबंधित पान मसाला में 28 बोरा राजनिवास व 7 बोरा जर्दायुक्त मसाला को बरामद किया गया है। जब्त पान मसाला की बाजार मूल्य करीब 1,40,000 रुपए बताया जा रहा है। देर शाम सहायक अवर निरीक्षक चंद्रिका राम के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गोपालपुर विधायक के नृत्य का वीडियो वायरल, कोई कह रहा नया तो कोई कह रहा पुराना। गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल का नृत्य करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होते ही इलाके में कई तरह की चर्चा की जा रही है। कोई कह रहा है कि वीडियो पुराना है, तो कोई लोग बता रहे हैं कि वीडियो नया है। जो लोग वीडियो को वायरल कर रहे हैं वे लोग बता रहे हैं कि वीडियो शनिवार और रविवार की दरमियान रात्रि का है। विधायक के पैतृक गाँव में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ था और किसी प्रोग्राम में विधायक ने ठुमके लगाए। वीडियो के शुरुआती भाग में एक भक्ति गाना बज रहा है जिस पर विधायक नृत्य कर रहे हैं, तो यह गाना समाप्त होते ही भोजपुरी का एक अश्लील गाना बजता है और उस पर भी विधायक जी ठुमके लगाते हुए देखे जा रहे हैं। यह वीडियो कब का है यह तो जांच का विषय है, लेकिन लोग यह वीडियो एक दूसरे को खूब शेयर कर रहे हैं। जदयू नेता गुलशन कुमार ने कहा कि वह रात भर प्रोग्राम में थे लेकिन कभी भी विधायक जी ने नृत्य नहीं किया है, यह वीडियो बनावटी है। नवगछिया में महागठबंधन की समीक्षा बैठक। नवगछिया के आनंद निलय भवन में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के घटक दलों द्वारा एक चुनावी समीक्षा बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के शंकर सिंह अशोक ने किया। मंच का संचालन भाकपा माले के जिला सचिव बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने किया। समीक्षात्मक बैठक में विधानसभा चुनाव 2020 पर प्रकाश डाला गया, जिसमें मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि सत्ताधारी दलों के द्वारा
धन बल एवं प्रशासन की मिलीभगत से चुनाव के परिणाम को बदला गया। महागठबंधन के घटक दलों ने यह भी ऐलान किया है कि जनता के मुद्दों के साथ साथ छात्र, युवाओं, गरीब मजदूरों और किसानों के सवाल पर महागठबंधन परिवार निरंतर व्यापक जन आंदोलन चलाएगा और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया है। जंजीर में धकेलने की जो कोशिश है एनडीए का, उसके खिलाफ में महागठबंधन को सड़क पर उतर कर बताना होगा कि ये सियासत तुम्हारा नहीं चलेगा। और जनता संघर्ष के बल पर आज पूरा बंद कर दिया है ना, बाएं दाएं करके कोशिश करता है कि किसी तरह से जो है मामला खत्म हो जाए, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है और इसे मामले को हमको हासिल करना है। और बिहार में भी मैं समझता हूं कि जो स्थिति बनी है आप देख लीजिए, चुनाव रिकाउंटिंग के लिए हल्ला करते करते थक गया, कहीं रिकाउंटिंग नहीं हुआ। लेकिन जहां जदयू वाला रिकाउंटिंग की बात किया तुरंत हो गया, शक्ति यादव को हरा दिया हिलसा में 12 बोर से, कैसे हरा दिया। लेकिन जहां बाकी लोगों का महागठबंधन का कम ये मार्जिन था वहां रिकाउंटिंग नहीं हुआ। पूरा का पूरा चुनाव आयोग भाजपा और एनडीए के चुनाव मैनेजमेंट आयोग बन गया है, कोर्ट उसके खिलाफ गुलाम हो गया है। आप समझ सकते हैं साधारण मामला नहीं है, लोकतंत्र पर इतना हमला हो गया है। केवल गोपालपुर 6000 लीटर देसी कच्चा शराब बरामद। विशेष समकालीन अभियान में गोपालपुर पुलिस ने छापेमारी कर गोपालपुर थाना क्षेत्र के झल्लूदास टोला के दक्षिण दियारा से 6000 लीटर देसी कच्चा शराब को जब्त किया है। गोपालपुर पुलिस द्वारा छापेमारी में देसी शराब बनाने के दियारा इलाके से उपकरण बरामद किए गए हैं। देर शाम तक गोपालपुर पुलिस द्वारा मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मजाल है बालू के नीचे कोई अति पता लगा ले कि इसे हाँ यहाँ काम हो। कौन मशीन से? हम लोग अपना मशीन से पता लगाते हैं तंत्र से। जानै छै कि भागलपुर के गोपालपुर थाना के जो डॉग छे ना बहुत कारगर छे साला। ये नहीं नहीं डॉग स्क्वाड भी सबको क्या पकड़ेगा साला, एक फिट नीचे रख खुलता हुआ रहेगा ना। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295830773 9043-67-170। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नवगछिया में मास सिकिंग में 63 लोगों एवं 9 वाहन चालक से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्रम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास सिकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को मास सिकिंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 63 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया है। सभी से पुलिस ने कुल 3150 रुपए जुर्माना वसूल किया है। वही इस दौरान 9 वाहन चालकों से 9500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया एसपी के निर्देश पर दियारा इलाके में छापेमारी, 4 हत्या आरोपी गिरफ्तार, 833 बोतल शराब बरामद। नवगछिया पुलिस जिला में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एसपी नवगछिया के निर्देश पर दियारा इलाके में विशेष समकालीन अभियान चला है। पुलिस जिले के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा छापेमारी की गई।
हत्या, मारपीट व अवैध शराब बिक्री मामले में 4 को गिरफ्तार किया गया है। विशेष समकालीन अभियान में इस्माइलपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर ज्योतिष मंडल के घर से 833 बोतल विदेशी शराब को जब्त किया है। मौके से ज्योतिष मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। गोपालपुर पंचायत सरकार के चुनाव की कवायद शुरू। प्रदेश की सरकार के गठन के बाद पंचायत सरकार के आम चुनाव की कवायद प्रारंभ कर दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में जुट गया है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत निर्वाचन 2021 हेतु मतदाता सूची का वार्ड बार विखंडन 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक, डेटाबेस की तैयारी एवं प्रारूप मतदाता सूची फॉर्मेट प्रति में 29 दिसंबर से 12 जनवरी तक तैयार करने का निर्देश दिया गया है। प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण 13 जनवरी से 18 जनवरी तक व मतदाता सूची की प्रारूप प्रकाशन 19 जनवरी से 1 फरवरी तक किया जाना है। आपत्ति का निराकरण 8 फरवरी तक तथा मतदाता सूची की नई प्रविष्टि पर आयोग का अनुमोदन 14 फरवरी तक व मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी को किया जाना है। मतदाता सूची का मुद्रण 24 फरवरी को किया जाएगा। ढोलबजा के कदवा में बिजली मीटर लगाने पर 600 रुपए लेने की शिकायत जिला पार्षद से किया। ढोलबजा के खैरपुर बाजार में बिजली मीटर लगाने पर ठेकेदार के कारीगर द्वारा 600 रुपए लिए जाने की शिकायत रविवार को वहां के ग्रामीणों ने जिला पार्षद नंदनी सरकार से किया है। वहीं ग्रामीणों में कौशल जायसवाल, राहुल कुमार व गणेश मंडल के साथ अन्य ने बताया कि घरों में बिजली मीटर लगाने आए ठेकेदार के कारीगरों द्वारा जब तक 500 से 600 रुपए नहीं लिए जाते हैं तब तक वे घरों में मीटर नहीं लगाते हैं। मौके पर पहुंचे जिला पार्षद नंदनी सरकार ने जब मीटर फीटर को बुलाया तो वह उनके सामने आने को तैयार नहीं हुए। वहीं ठेकेदार का भी कोई अता पता नहीं है। नौगछिया जेई से फोन पर बात किया तो उन्होंने बताया कि वहां कौन काम कर रहा है हमें कोई जानकारी नहीं है। ढोलबजा पुलिस ने 8 लीटर देसी शराब के साथ एक महिला व 2 शराबी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। शनिवार की देर रात ढोलबजा थाना अध्यक्ष लक्ष्मण राम ने गुप्त सूचना के आधार पर ढोलबजा बस्ती में योगेंद्र मंडल के घर छापेमारी कर 8 लीटर देसी महुआ शराब के साथ एक महिला व 2 शराबी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष लक्ष्मण राम ने बताया कि गिरफ्तार महिला कुंती देवी व पति योगेंद्र मंडल है जो शराब का धंधा चलाते थे। वहीं गांव के एक अन्य शराबी कांतलाल मंडल के साथ योगेंद्र मंडल अपने घर में ही शराब पी रहे थे और पत्नी सबों को शराब परोस रही थी। जब घर की तलाशी ली गई तो महिला के पास से 8 लीटर शराब बरामद हुआ है। गिरफ्त में ली गए सबों को रविवार के दिन ही न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट,
ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043 67170।